नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली होने का आरोप लगाते हुए गुस्साए युवाओं ने आज अंबाला छावनी में रेलवे रोड के निकट गवर्नमेंट लाइब्रेरी के समीप जबरदस्त रोष प्रदर्शन किया। इन गुस्साए युवाओं ने पैदल मार्च करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम एक ज्ञापन एसडीएम अंबाला छावनी के साथ साथ सीएम विंडो के माध्यम से भेजा। ज्ञापन में कहा गया है कि सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में बिना खर्ची बिना पर्ची की छवि पर धांधलियों के चलते सवालिया निशान लगने लगे हैं। एचसीएस अनिल नागर और एचपीएससी का डिप्टी सेक्रेटरी घूस की रकम समेत रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद ये धांधलियां जग जाहिर हो चुकी हैं। सोनीपत से जिस रॉबिन नामक व्यक्ति को पकड़ा गया, उसने गलत तरीके से हजारों लोगों को नौकरियां लगवाने की बात कबूली है। पेपर लीक और रद्द होने के मामले में सीबीआई जांच करवाकर दूध का दूध पानी का पानी किया जाए, ताकि प्रदेश के युवाओं के हितों में होने वाले खिलवाड़ को रोका जा सके। अंबाला छावनी से हमारे विशेष संवाददाता सुरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।